बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकुमार साय ने राजनांदगांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिलगेर में पुलिस कैंप स्थापित करने को लेकर सवाल खड़े किए। साय ने कहा कि इलाका पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है, क्षेत्र में ग्राम सभा है तो वहां पुलिस कैंप लगाने से पहले उनसे अनुमति ली जानी चाहिए थी। नंदकुमार साय ने कहा कि पुलिस कैंप लगने से स्थानीय लोगों की प्रताड़ना होती है, इसलिए वहाँ ग्रामीण जो है वो कैंप का विरोध कर रहे हैं। अब एक शेरगिल में जो घटना घटी, पुलिस वालों ने गोली चला दी, 3 लोग मारे गए और 18 या 20 लोग घायल हैं। उसको लेकर के मैं, वो नक्सली थे ये तो हमको जानकारी कंफर्म नहीं है, वो गांव वाले थे और कैंप का विरोध इसलिए कर रहे थे कि उनके आने से बहुत सारी समस्याएं वहां खड़ी होती हैं, उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि पुलिस कैंप कितने दूर में रखा जाए।